सो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ अपने न्यू डॉल हाउस का टूर वीडियो, जो कि मैंने अभी रिसेंटली में बनाया है ये डॉल हाउस। और इस बार इस डॉल हाउस की खासियत ये है कि मैंने इस बार इसकी DIY वीडियो भी शूट की है, जो कि आपको बहुत जल्द मिल जाएगी देखने को। बट पहले आप मेरा डॉल हाउस देख लीजिए, अगर आपको डॉल हाउस पसंद आएगा और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तभी मैं वो वीडियो लेके आऊँगी। इसे आप नीचे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उस, और फिर नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डॉल हाउस कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी मैं उस डॉल हाउस की मतलब इस डॉल हाउस की DIY वीडियो लाऊंगी, क्योंकि अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं लाने का क्या फ़ायदा। सभी बातों को छोड़ते हैं और चलिए डॉल हाउस टूर स्टार्ट करते हैं। तो टूर आपको आज की देगी, मैंने बस इंट्रो ही शूट किया है बस ऐसे ही। डॉल हाउस टूर इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या बनाया है और क्या क्या इसकी खासियत है। स्टार्ट करते हैं हम इस यहाँ से एंट्रेंस से। यहाँ पे हमारी डॉल का डोर है, यहाँ पे ऐसे ही है और ये एक पकड़ के खोलने के लिए है। इसको खोल के दिखाती हूँ। गेट खुलने के बाद कुछ ऐसा व्यू है अंदर। जो वॉल है वो मैंने येलो में बनाया है और यहाँ पे एक छोटा सा फोटो फ्रेम है जो कि मैंने अपने पुराने बुक से निकाला है। सो अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग का पार्ट। सो गाइस नाउ बात करते हैं हम अपने इस ब्यूटीफुल से वाइट रूम की, जो कि मेरा फेवरेट है। और मैंने इस डॉल हाउस में एक ही बेडरूम बनाया है और दूसरा मैं बनाऊंगी कभी बाद में, कभी बना लूंगी, क्योंकि इस डॉल हाउस के ऊपर वाले पार्ट पे बहुत सारा जगह बचा है। मुझे एक विंडो लगाना था बट मैं लगाना भूल गई, तो छोड़ो उसको, विंडो को छोड़ते हैं। और यहाँ पे एक स्टडी टेबल से, हमारी डॉल्स स्टडी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करती है, इसलिए इस बार मैंने स्टडी टेबल बना दिया ताकि हमारी डॉल्स स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर सके। हमेशा मैं डॉल हाउस में एक ड्रेसिंग टेबल बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने क्लॉजेट अलग से बना दिया है। सो यहाँ पर मैंने स्टडी टेबल लगा दिया स्टडी टेबल की। तो इसकी भी DIY वीडियो आपको डॉल हाउस DIY वीडियो में मिल जाएगी। सो यहाँ पर कुछ ऐसे ही ड्रॉर्स है। बाद ये छोटा सा प्लांट है जो कि मैंने नहीं बनाया है, इसका पॉट पहले ही मैंने बनाया है, ब्लैक पिंक वाला साइन है, ऐसी डेकोरेशन के लिए है। उसके बाद ये छोटा सा फ्रेम बोलो या जो भी बोलो पॉप गर्ल का, ये भी बस ऐसे ही मैंने डेकोरेशन के लिए लगा दिया है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने डॉल की, इस छोटे वाले फ़ोन की जिसके ऊपर किम तैयोंग का फोटो लगाया हुआ है। आपको इसके अंदर तो नहीं दिख रहा उसका चेहरा अच्छे से, बट यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन सी फ़ोटो मैंने लगाई है। और पीछे से कुछ ऐसा है हमारी डॉल के पास, अब आईफोन आ गया है। सो किम तैयोंग वाली फ़ोटो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइज मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे तो BTS की फ़ोटो है ही, अब मेरी डॉल्स के भी फ़ोन के वॉलपेपर पे BTS की फ़ोटो है। सो देखिए कुछ इस टाइप से है आईफोन। और बात करते हैं इस छोटे से लैपटॉप की, जो कि इसके ऊपर ऐसे बटन्स है जो कि रियल वाले हैं, मैंने प्रिंट करवाए थे। और ये ऊपर का पार्ट है और पीछे से कुछ ऐसा है, और देख सकते हो आप लोग इसके ऊपर जंगकुक बना हुआ है, मतलब जंगकुक का कार्टून टॉय कुकी है। उस छोटे वाले फ्रेम की जो कि सोफिया का फ़ोटो है, पिक मेरी सोफिया की सबसे ज़्यादा फेवरेट वाली पिक थी, तो मैंने इसको मतलब फ्रेम करवा लिया है फ़ोटो में। नीचे कुछ बुक्स है। सो ये BTS का एक कार्टून कैरेक्टर है, मुझे पता नहीं कौन सा कार्टून कैरेक्टर है। मैं नीचे और भी बुक्स है, नोटबुक्स है। उसके बाद ये एक सनग्लासेस है और इसके ऊपर हमारी डॉल बैठ कर आराम से पढ़ाई कर सकती है, इस तरीके से हमारी डॉल यहाँ पे बैठ के पढ़ सकती है। और यहाँ पे एक डेकोरेशन के लिए ये लगाया है मैंने, जो कि मेरे पुराने वाले डॉल हाउस में था। एक छोटा सा विंडो का लुक देने के लिए ये है, और ये सोफिया के बॉक्स में आया था तो मैंने बस ऐसे ही लगा दिया। और बात करते हैं इस साइड टेबल की, जहाँ पे एक छोटा सा लैंप है और यहाँ पे एक BTS का फ़ोटो है। आई होप कि नॉन BTS आर्मीज फ्रेंड्स हमारे इन सभी चीज़ों को ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे। आई नो कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स BTS आर्मी नहीं है उनको ये सारी चीज़ें अच्छे नहीं लग रहे होंगे, बट जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो BTS आर्मी होंगे उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। आई नो मैंने ऐसे ही लगा दिया है। और बात करते हैं हम अपने इस बेड की, तो बेड में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने पहले जैसा ही रखा है और यहाँ का फ्रेम भी पहले जैसा ही है। सो ये था हमारा ये डॉल हाउस, मतलब एक रूम के ही बगल में हमारा लिविंग रूम है। और यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या लगा दिया है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दिया था तो मैंने इसको यहीं पर लगा दिया है, तो इसको रहने देते हैं। ने ये हार्ट बनाया था और उसने कहा था कि अपने न्यू डॉल हाउस में मेरी एक छोटी सी निशानी ज़रूर लगाना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। मेरे डॉल हाउस में तो कहीं जगह था नहीं, इसलिए मैंने वॉल पे लगा दिया एकदम दो रूम्स के बीच में। बढ़ते हैं पे, सबसे पहले सोफिया का एक छोटा सा पिक्चर है जो कि आपको दिख रहा होगा।
नीचे एक टीवी टेबल है जो कि वाइट कलर में है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे एक टीवी है, यहाँ पे बारबी का एक साइन है, बिल का लोगो, और यहाँ पे एक प्लांट है। और जल्दी जल्दी मैं आपको मैं टूर दे देती हूँ। सोफे की DIY वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफी सा है और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है हमारी डॉल्स के लिए। और इसके ऊपर 3 डॉल्स तो ईजिली बैठ ही जाएगी, मुक्की करके 3 डॉल्स तो बैठ ही जाएगी। और यहाँ पे एक लैंप है जो कि अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे बात करते हैं वॉल्स पे, तो वॉल्स पे BTS की फोटो है, बहुत ज़्यादा प्यारी सी लग रही है। BTS आर्मी सब्सक्राइबर्स, आप लोग अच्छे से BTS को देख लो। ऐसे कोई पर्टिकुलर मेंबर्स की फ़ोटो मैंने नहीं लगाया, मैंने सोचा कि सारे मेंबर्स का ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना मैं अपने बायस का भी लगाती, लेकिन मुझे सारे मेंबर्स का ज़्यादा अच्छा लग रहा था, साथ में सब रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने दोनों फ्रेम ही मतलब साथ वाले ही लगाए हैं जिसमें सारे BTS मेंबर्स वाले शेल्फ हैं, जो कि मेरे पूरे डॉल हाउस में सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है, जिसके अंदर मेरी एक छोटी सी फोटो भी है। पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्लॉक है जिसके ऊपर आईफिल टावर बना हुआ है, और यहाँ पे एक बो है, और यहाँ पे एक सूफिया की फ़ोटो है, और उसके बाद यहाँ पे एक प्लांट है जो कि आपको दिख ही रहा होगा। सबसे प्यारी चीज़ मेरी फ़ोटो, मेरे चैनल की लोगों की फ़ोटो मैंने लगा दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ ऐसे ही बुक्स हैं, और उसके बाद बात करते हैं इसकी, यहाँ पे एक सूफिया की फ़ोटो है, और यहाँ पे एक छोटू सा हॉर्स है जो कि डेकोरेशन के लिए अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और एकदम रियल टाइप का लुक दे रहा है ये। और यहाँ पे एक ट्रॉफी है, उसके बाद में यहाँ पे सूफिया और जैक की फ़ोटो है, और यहाँ पे एक कार है। शेल्फ भी खाली है, यहाँ पे मैं कुछ रख दूँगी बाद में कभी। ये था हमारा लिविंग रूम। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको 2 रूम्स दिखा दिए, लिविंग रूम और बेडरूम दिखा दिए। और मेरा डॉल हाउस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए हम एक वीडियो में सारा कवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुझे Part 1 and Part 2 बनाना पड़ता है, क्योंकि हर बार मेरा डॉल हाउस काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है और एक ही वीडियो में फिनिश नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। 8 मिनट तक का ज़्यादा वीडियो होता है मेरा। इतना ही मैं कवर कर पाई इस वाले वीडियो में। और टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, मतलब इसके आगे वाले पार्ट, हम जिसमें क्लोज़ेट कवर करेंगे और किचन और बाथरूम और एक और लिविंग रूम। आज के लिए तो मैंने आपको बस इतना ही दिखाया, बाकी के चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखा दूंगी। और DIY वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा, डॉल हाउस DIY वीडियो। आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।